हाथरस में यातायात नियमों के बारे में विद्यालय राजेंद्र लोहिया विद्या मंदिर हाथरस में यातायात माह शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत लोगों को यातायात से संबंधित आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। यातायात के प्रतीक चिन्ह के बारे में भी जानकारी दी गई और पंपलेट भी वितरित किए गए, जिसमें जिलाधिकारी हाथरस, पुलिस अधीक्षक हाथरस, अपर जिलाधिकारी हाथरस, अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस, उप जिलाधिकारी नगर हाथरस, ARTO हाथरस, क्षेत्राधिकारी नगर हाथरस, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक हाथरस, जनपद हाथरस के प्रशासनिक अधिकारी एवं स्कूल के अध्यापक तथा विद्यार्थी आदि मौजूद रहे। PLN न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये देखिए, नागरिकों में यातायात के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक महीने का कार्यक्रम पुलिस विभाग निशाचन चलाता है और इसी के तहत इस वर्ष भी नवंबर माह को हम लोग यातायात माह के रूप में मना रहे हैं और पूरे 30 दिन का कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन के लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी स्कूलों में जाएंगे, रैलियां निकलेंगी, गोष्ठियां होंगी और ट्रैफिक के नियमों को लोगों में बताने के लिए उसके लिए अलग अलग कार्यशाला भी हम लोग आयोजित करेंगे, नागरिकों में जागरूकता पैदा करेंगे जिससे सड़क दुर्घटनाएँ कम से कम।